आज हम आपको शाहजहां के बारे में कुछ आकर्षक और गूढ़ चीजें बताते हैं जिन्होंने ताजमहल का निर्माण किया, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ताजमहल का अर्थ है ताज का महल। एक सफेद संगमरमर का मकबरा है जो भारत के आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 में इसे बनवाया था। शाहजहां ने अपने वयस्क जीवन के दौरान कई पत्नियों से शादी की। हालांकि शाहजहां ने अपने दिल को चारों ओर फैला लिया, लेकिन इनमें से किसी भी महिला को उसकी तीसरी पत्नी के रूप में काफी अनुकूल नहीं पाया गया। अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे मुमताज महल के नाम से अधिक जाना जाता है, उनका संग 19 साल तक चला और 14 बच्चों का जन्म हुआ। अंतिम बच्चे के जन्म के दौरान जटिलताओं के कारण महल की 39 वर्ष की आयु में असमय मृत्यु हो गई। शाहजहां अपने लंबे समय के साथी के नुकसान से इतना त्रस्त हो गया कि उसने एक शानदार मकबरे के साथ महल को यादगार बनाने का फैसला किया। उनकी मृत्यु के एक साल बाद 1632 में महल और उसके आसपास का निर्माण शुरू हुआ और 2 दशकों तक जारी रहा। ताजमहल के निर्माण के लिए जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था, उन्हें 1000 हाथियों द्वारा निर्माण स्थल तक पहुंचाया गया था। लगभग 28 प्रकार के कीमती और अर्धकीमती पत्थरों का उपयोग ताज को सजाने के लिए किया गया था और उन्हें चीन, श्रीलंका, तिब्बत और भारत के कुछ हिस्सों से इकट्ठा किया गया था। यह अफवाह है कि बादशाह ने आदेश दिया कि सभी कर्मचारी जो मकबरे पर काम करते हैं, उनके हाथ काट दिए जाते हैं, ताकि कोई भी दोबारा ऐसा कुछ नहीं बना सके। अगर ध्यान से देखा जाए तो चारों खंभे या मीनारे सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की ओर झुकी हुई हैं। इसका निर्माण इस तरह से किया गया था कि भूकंप जैसी किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मुख्य मकबरे को इस पर मीनारों के गिरने से क्षतिग्रस्त होने से बचाया जाए। अगर ताजमहल की नींव यमुना बैंक पर नहीं होती तो वह ध्वस्त हो जाती। हाँ, ताज की नींव लकड़ी से बनी है जो लंबे समय तक चलने वाली नहीं है, इसलिए आप अच्छी तरह से चित्रण कर सकते हैं कि लकड़ी समय की अवधि में कमजोर हो गई होगी। लेकिन यह यमुना नदी की वजह से है कि लकड़ी को आज तक मजबूत और नम रखा गया है। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के लिए 1665 की यात्रा ने फ्रांस के खोजकर्ता जीन बैप्टिस्ट टेवेनियर को शासक की मृत्यु के ठीक एक साल पहले शाहजहां के साथ एक रंगीन मुठभेड़ की कहानियों के साथ छोड़ दिया। टेवेनियर की कथित बातचीत ने इस किंवदंती को जन्म दिया कि शाहजहां ने यमुना नदी के पार एक दूसरा महल बनाने की योजना को छोड़ दिया था। इस मकबरे का अर्थ स्वयं शाहजहां को तहखाना बनाना था और इसे ताजमहल के सफेद अग्रभाग के काले पूरक के रूप में देखा गया था।